तो दोस्तों रोचक तथ्य के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विषय के बारे में जिसे सुन के आप लोग सन रह जाएंगे। आज हम चलने वाले हैं ऐसे रोमांचित सफर पे जहां मैं आप लोगों को बताऊंगा दुनिया के अजीब और गरीब पेड़ पौधे, कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो आपका दिमाग चेंज कर देंगे, कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिनके ऊपर बच्चे उगते हैं। जी हाँ, बच्चे। आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा पेड़ पौधों के ऊपर बच्चे उगते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिनके ऊपर लड़कियां उगती हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो लड़कियों के लिप्स की तरह दिखते हैं। यानी कि अगर आप कंपेयर करने लगे तो लड़कियों के लिप्स उन पेड़ पौधों के लिप्स के जैसे दिखाई देंगे। तो रोमांचित सफर में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो देखना पसंद है जो सबसे हटके हो, सबसे अलग हो और आपकी जानकारी बढ़ाए, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों यूं तो हमारी दुनिया का 10% भाग जंगलों से भरा पड़ा है। ऐसे तमाम जंगल हैं जहां लाखों की संख्या में कई प्रजाति के पेड़ मौजूद हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे अजीब और गरीब पेड़ भी हैं जिन्हें देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। या हम आपको कुछ ऐसी अद्भुत पेड़ों के बारे में बताना चाहते हैं जिन्हें देख के आप लोग सन रह जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर वन पे हम बात करने वाले हैं हुकर्स लिम्स। यह फूल सेंटर ऑफ साउथ अफ्रीका के ट्रिपल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। यह फूल लाल रंग का होता है जो देखने में एक महिला के होठों की तरह लगता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। अगर गलती से आप लोगों को ये फूल दिख जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किसी महिला के होठ है या कोई फूल है। जी हाँ, क्योंकि इसकी बनावट ही बिल्कुल ऐसी है। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड नंबर का जो पौधा है। जी हाँ, बिल्कुल आप चौंक जाएंगे इस पौधे को देख के। इसको बोलते हैं स्वेडिल शिशु। जी हाँ, जैसे कि इसका नाम है स्वेडिल शिशु, उसी तरीके से इसकी पिक्चर है। आप गौर से देखिए, अगर आपको देखने मिलेगा कि कैसे एक बच्चे को चादर में लपेटा हुआ है। जी हाँ, ये बिल्कुल दिखने में ऐसे ही लगता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोलंबिया के एंडीज में पाया जाता है, यानी कि कोलंबिया के जंगलों में पाया जाता है। आप लोग खुद ही सोच सकते हैं नेचर ने हमें कैसी कैसी चीज़ें दी हैं जिन्हें आज तक ना हम सोच पाए हैं, ना देख पाए हैं, ना समझ पाए हैं। जो नेचर ने कर दिखाया वो इंसान कभी नहीं कर सकता। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे पौधे के बारे में। जी हाँ, वो तीसरा पेड़ है बाओबा। जी हाँ, ये अफ्रीका के मेडागास्कर में पाया जाता है। बाओबा को हिंदी में गोरक्ष भी कहा जाता है। लगभग 30 मीटर ऊंचे और 11 मीटर चौड़े इस वृक्ष की बनावट बड़ी अजीब और गरीब होती है, क्योंकि इसको देखने पे लगता है जैसे इसकी जड़ें ऊपर की तरफ है और तना नीचे की तरफ है। बाओबा को मुख्यतः कई नामों से पुकारा जाता है। कुछ लोग इसको बोतल वाला पेड़ बोलते हैं, कुछ लोग इसको बाओ बोलते हैं, कुछ लोग इसको कुछ बोलते हैं। अगर बात कर लें हम इसकी उम्र की, तो इसकी उम्र 1200 साल होती है। जी हाँ, 1200 साल। और इसके अंदर 170,348 लीटर पानी स्टोरेज करने की क्षमता होती है। तो आपने कभी नहीं सोचा होगा एक बाओबा नाम का पेड़ इतना पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो ये सब अधिकतर साउथ अफ्रीका के मेडागास्कर के जंगलों में ही पाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेड़ के बारे में जो दिखने में हूबहू एक इंसान की तरह रोता है, चिल्लाता है। जी हाँ, इन पिक्चरों में आप जिसको देख रहे हैं इसको बोलते हैं मैंड्रिक। जी हाँ, मैंड्रिक एक ऐसा पौधा होता है जिसको अगर हम उखाड़ते हैं तो वो बिल्कुल जो चिल्लाता है ऐसा लगता है जैसे कि एक बच्चे की तरह रो रहा हो। तो ये मैंड्रिक कल्पना भी हो सकती है। पहले आवाज सुनिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कैसे इस पौधे को हम उखाड़ते हैं तो कैसे बच्चों की तरह चिल्लाने लगता है और इसकी आवाज आदमी अपने कानों से नहीं सुन सकता, तो इसको बोलते हैं मैंड्रिक। मैंड्रिक एक पौधा कल्पना भी है, एक सच्चाई भी है। जैसे कि इस पिक्चरों में दिख रहा है ये इतना हूबहू इंसान की तरह नहीं होता, बस थोड़ा बहुत इसके जो लुक होते हैं जैसे कि हम शकरकंदी खाते हैं उसकी तरह दिखता है। अब ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों ये था ओरिजिनल पौधा मैंड्रिक का। अब हम बात करने वाले हैं जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे, नेरिफन।
जी हाँ, ये जो मुख्य वीडियो है नैरी फन के ऊपर है, एक ऐसा पौधा जिसपे लड़कियां लगती हैं। ये सुन के भी आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, क्या सच में ऐसा पेड़ है जिसपे लड़कियां लगती हैं। देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें कल्पना होती है, कुछ चीज़ें रियलिटी होती है, लेकिन मैंने जो जानकारी उठाई है वो गूगल से उठाई है। तो दोस्तों, ये जो पेड़ पाए जाते हैं थाईलैंड के जंगलों में पाए जाते हैं। बौद्धिक मान्यताओं के अनुसार इस पेड़ को भगवान ने खुद थाईलैंड के हिमफान के जंगलों में खुद अपने हाथों से लगाया था, इसलिए इस पे अजीब और गरीब फल आते हैं जो एक लड़की की तरह दिखते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो थाईलैंड वाले ही जानते हैं, रिसर्च टीम जानते हैं। लेकिन जो भी चीज़ है, जितने भी तथ्य मैं आप लोगों के सामने खोल के रख देता हूँ, तो जैसा आप इनको देख रहे हैं पेड़ पे लगे हुए ये वीडियोज़ में, तो कितनी सच्चाई इस बात के पीछे ये भगवान ही जाने। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो पसंद है तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलता है सबसे हटके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय दोस्तों।